Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one more job vacancy for all of you. देखिए ये जो वैकेंसी है आपका वो है म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, ठीक है। म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में आपका वैकेंसी है और आपका जो पोस्ट है वो है डिप्टी जनरल मैनेजर, ठीक है। डिप्टी जनरल मैनेजर DGM का आपका पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर MBA आपका होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, और CA CMA CS, ठीक है, CA या फिर ICW है या फिर CSO, या अगर आप नहीं तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो कॉमर्स में या फिर इकोनॉमिक्स में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आपके पास अगर आप MBA किए हो बट वो फुल टाइम MBA होना चाहिए वो भी फाइनेंस में, ठीक है। तो ये था आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन था ये सब जो आपको मांगा है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स और MBA फाइनेंस फुल टाइम फॉर अमेरिकन यूनिवर्सिटी मस्ट हैव पास CA LLB क्वालिफिकेशन। CA LLB क्वालिफिकेशन इज नॉट कंपलसरी फॉर कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन ऑफ CA ICW CS, ठीक है। मतलब कि इन लोगों के लिए CA LLB कंपलसरी है, बट जो ICWA वाले हैं या फिर CS वाले हैं तो इन लोग के लिए CA LLB कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये बोला यहाँ पे। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट पास्ट LLB ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा? जिनके पास LLB का डिग्री होगा, जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हैं, ठीक है। चलिए आगे आपका एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस आपको कितना मांगा है इस पोस्ट के लिए? कैंडिडेट भी थे पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स और MBA आपका फुल टाइम है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज सीनियर मैनेजर और एवर पोस्ट इन नेशनलाइज्ड बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में आपका होना चाहिए, और मिनिमम 5 साल आप एक्सपीरियंस एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर और इक्विवेलेंट पोस्ट इन कोऑपरेटिव बैंक हैविंग डिपॉजिट ऑफ ₹500 करोड़ और एवं में अगर आप काम किए हैं तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल, ठीक है। कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन ऑफ CA ICW या फिर CS, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए सीनियर मैनेजर और एवं में नेशनलाइज्ड या फिर प्राइवेट बैंक में अगर आप काम किए हो तो फिर आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और मिनिमम 3 ईयर ऐसे डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर और इक्विवेलेंट, तो ये सब आप देख लीजिएगा कितना नंबर ऑफ इयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा और आपका कौन सा क्वालिफिकेशन, आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा मतलब क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, तो आप अच्छा से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इस एडवर्टीजमेंट बोलिए इसको इस जॉब का, तो अगर आपको चाहिए ये पूरा PDF तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, हिमांशु रंजन क्लासेस, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेगा, ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ पे आपको 2 लिंक मिलेगा, एक जॉब का भी है, हिमांशु रंजन क्लासेस का भी है, आप दोनों ज्वाइन करिए। आपको दोनों टेलीग्राम चैनल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आपको पूरा जॉब अपडेट से रिलेटेड आपका पूरा चीज़ वहाँ पे मिलेगा, दोनों आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका ये सब हो गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारा अपडेट मिलता जाएगा, ठीक है। चलिए फीस कितना लगने वाला पहले देख लीजिए, आपको आपका एज कितना मांगा है इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट के लिए ये जो DGM है डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्ट के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया मांगा है, एज मैक्सिमम आपको 45 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट वर्किंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट, तो ये सब देख लीजिएगा। एज ऐसे नॉर्मली ऐसे 45 ईयर्स है, 45 ईयर्स, ठीक है। फीस का बात करें तो 500 रुपीज का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन द फेवर ऑफ म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक के टूवर्ड्स फॉर नॉन रिफंडेबल फीस, ठीक है। 500 रुपये का आपको DD बनाना है म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर आपका जो टोटल CTC बनने वाला आपका अप्रोक्स आपका 18.97 लाख, ठीक है, 18.97 लाख पर एनम आपका CTC बनने वाला है। और कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है वो आप जाइएगा जो बैंक का उसका वेबसाइट पर जाइएगा www. जो भी है इस पे जाइएगा, आप आराम से सारा डिटेल भरिएगा, फिर उसको डाउनलोड करिएगा, फिर उसको डाउनलोड कर करके और आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका पास सर्टिफिकेट है उसको सेफ अटेस्टेड करिएगा, उसको जीरोक्स को उसको जीरोक्स करा लीजिएगा। जीरोक्स करा कराने के बाद उसको सेल्फ अटेस्टेड कर करके और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसको भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना, लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप है उसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर करके आपको बाई पोस्ट भेजना होगा। पोस्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ भेजना है, पोस्ट बॉक्स नंबर 1027 जनरल पोस्ट ऑफिस मुंबई भेजना है आपको, 30 सितंबर 2021 के पहले तक भेजना है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे लास्ट में देखिए
The name of the post applied should be superscribed on the envelope. और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम आप इनवेलप में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी था आपका डिप्टी जनरल मैनेजर का, ठीक है। तो अगर आपको ये वैकेंसी यूजफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत होता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।